दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। आयरलैंड के कावान काउंटी में एक किसान को खुदाई करते वक्त 2000 साल पुराना 10 किलो का मखान का एक टुकड़ा मिला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मखान पूरी तरह से खाने लायक है। आइए जानते हैं कि आखिर इतने साल बाद भी ये मखान खाने लायक कैसे बना हुआ है। आयरलैंड के कावान काउंटी में जैक कोनावो नाम का एक किसान अपने घर के पास खुदाई कर रहा था, जब उसकी नज़र इस सफ़ेद रंग के गोले के ऊपर पड़ी। पहले तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या, इसलिए उसने करीब 16 फीट की खुदाई करके इस गोले को बाहर निकला। इसके बाद वो इसको जांच के लिए ले गया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ का ये 10 किलो का गोला करीब 2000 साल पुराना मखसन का टुकड़ा है। जैक को जैसे ही इस बात का पता चला कि ये 2000 साल पुराना मक्खन है, तो वो इसको वहां के एक म्यूजियम में ले गया। विशेषज्ञों ने इसकी जांच की और बताया कि ये मक्खन का टुकड़ा मध्ययुगीन काल का है। उस समय इसे एक लग्जरी आइटम माना जाता है। उस समय के लोग इस मक्खन को टैक्स भरने या अन्य तरह के पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि उस वक्त अनेक प्रथा के तौर पर लोग इस मक्खन को भगवान को भेंट करते थे और उसके बाद इसको जमीन में हमेशा के लिए गाड़ देते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मक्खन के आसपास कम तापमान का मर ऑक्सीजन और हाई एसिडिक मिट्टी ने हाई प्रिजर्वेटिव का काम किया है, जिसके वजह से इतने सालों बाद भी ये मक्खन खराब नहीं हुआ है और आज भी लोग इसको खा सकते हैं।